ऑफ इंजीनियर्स आप देख सकते हैं इस वक्त नारे लगाते हुए कि हमारी मांगे पूरी करो, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचे हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ इनकी मांगे हैं जो आज हालांकि ज्ञापन सौंपने की बात भी सुनने को मिली है, तो बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्या कुछ आपकी मांगे हैं जो आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर पहुँचे हैं? हमारे ये इंजीनियर्स हैं हरियाणा स्टेट के सभी विभागों के, जिसमें पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, हुड्डा सारे डिपार्टमेंट हैं, एसडीओ एंड अबो जो कैटेगरी हैं वो सारे इंजीनियर हैं। और मांग हमारी, मांग अलग से कुछ नहीं है, बिल्कुल जायज मांग है हमारी इंजीनियर्स की कि हमारी बराबरी थी हर पे स्केल में। जब से हरियाणा बना है तब से हमारी बराबरी थी, अब वो बराबरी को 2009 से अलग कर दिया, खंडित कर दिया, जो कि डॉक्टर के साथ थी, एसडीएम के साथ थी और डीएसपी के साथ थी। सिर्फ हमारी वो बराबरी की पैरिटी की वो डिमांड है, अलग से हमें कोई डिमांड नहीं चाहिए। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, इससे पहले बातचीत करने का प्रयास किया गया किसी से कुछ? हाँ जी, बातचीत करने के लिए प्रयास पिछली सरकार में भी किया गया, इस सरकार में भी किया गया और अब भी मेमोरेंडम सीएम साहब को दिया गया, पर अभी सरकार को पता नहीं क्या बात है कि वार्ता के लिए हमारे को अभी तक हमारे जो डेलीगेशन है उसको बुलाया नहीं गया। आज किसे ज्ञापन सौंपा जाएगा? आज ओएसडी सीएम के माध्यम से सीएम साहब को ज्ञापन जाएगा। कितने लोग सर पूरे हरियाणा भर से पहुंचे हुए हैं? पूरे हरियाणा से, सारे इंजीनियर्स पूरे हरियाणा से आए, हर डिपार्टमेंट से हैं, 18 प्लस डिपार्टमेंट इसमें सम्मिलित है हमारी फेडरेशन में, और 18 प्लस डिपार्टमेंट के सभी प्रतिनिधि और इंजीनियर्स यहाँ पे आज आए। इसमें मैक्सिमम एक्शन एससी और चीफ इंजीनियर भी हैं, सारे हमारे मेंबर हैं और सभी क्लास वन ऑफिसर हैं। सर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जैसा कि बताया कि पे पैरिटी की हमारी अपील है और हम कुछ उसके अलावा कुछ नहीं मांग रहे, केवल यही चाहते हैं कि जो समानता का अधिकार हमारा जब से हरियाणा बना है तब से चला आ रहा था कि उसको बरकरार रखा जाए और हमें बाकी अधिकारियों के बराबर पे स्केल दिया जाए। सर कहाँ से आप लोग जो है पैदल चल कर आ रहे हैं, कहाँ से शुरुआत की गई है? हमने सैनगढ़ में जुलूस निकाला है, उसके बाद ये जो अपना अगरसेन ऑडिटोरियम से, अगर मंगलसेन ऑडिटोरियम से फिर यहाँ पे आए। आप देख सकते हैं मंगलसेन ऑडिटोरियम से, आप देख सकते हैं हरियाणा फेडरेशन ऑफ इंजीनियर्स सभी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स यहाँ पर पहुँचे और समानता का अधिकार मांगते हुए दिख रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इससे पहले भी जो पहले सरकार थी वहाँ भी हमने बातचीत का प्रयास जरूर किया था, लेकिन जो हमें जो मांग है हमारी वो पूरी नहीं हो पा रही। आप देख सकते हैं आज ओएसडी को जो है ज्ञापन सौंपने के लिए, तो ज्ञापन कहाँ है सर, क्या कुछ उसमें मांगे रखी गई हैं ज्ञापन सौंपने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे और वो ज्ञापन जो है पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में यहाँ पर सौंपा जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ज्ञापन जो है आप लोग आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री ओएसडी संजय बटला जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सभी हरियाणा फेडरेशन ऑफ इंजीनियर्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस अपना ज्ञापन जो है यहाँ पर सौंपा जाएगा और प्रयास किया जाएगा अपनी मांगों को मनवाने का, यहाँ पर इधर अपनी मांगों को मंगवाने का जो है प्रयास, यहाँ पर ज्ञापन जो है सौंप दिया गया है हरियाणा फेडरेशन ऑफ इंजीनियर सभी डिपार्टमेंट्स के बताए जा रहे हैं, जो हुड्डा विभाग जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो कहलाया जाता है, सभी विभागों से पूरे हरियाणा भर से यहाँ पर इंजीनियर्स पहुँचे हैं अपनी मांगों को लेकर संजय बटला जी को। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सिर्फ पैरिटी का हक मांग रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से चलता आ रहा है। मैं थोड़ा इसमें ये कर रहे हैं, हम लोग चार कैडर जब से स्टेट बनी, इसमें डॉक्टर, इंजीनियर्स, डीएसपीज एस वेल एज एससीएस, ये शुरू से पैरिटी पे रहे हैं, लेकिन धीरे 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 दूसरे कैडर सरकार पे दबाव बना के कुछ ना कुछ बेहतर लेते हुए हमसे ऊपर चले गए हैं। और फाइनली अब हम आज की तारीख में हम सबसे निचले पाए जाते हैं, तो एक समानता की बात है ताकि आप उसमें मान सम्मान कैडर का इंटरव्यू मान सब सम्मान थे लास्ट तक, हमने शुरू से कम्प्लीट इसमें एक्सप्लेन किया है कि एक चीज़ कब 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 समान थे, कब असमानता आई, कब दिक्कत आई, वो सारा इसमें मेंशन किया। ये सरकार ने भी विचाराधीन पड़ा है, कई बार मेमोरेंडम दिया जा चुका, फर्स्ट टाइम नहीं दे रहे, 2010 से हम इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। और चारों ACS है ना सर, चारों महकमे BNR, इरीगेशन, पब्लिक हेल्थ, ACS ने भी रिकमेंड कर रखे हैं इसमें, फिर भी बस हमारे को थोड़ा बिजी रहते हैं, ये सात दिन काम में लगे रहते हैं, इंजीनियर कहाँ टाइम होता है ये करने सभी डिपार्टमेंट का, एक प्लेस करवा बिल्कुल सही है, जायज़ बिल्कुल जायज़ मांग है, नजायज के साथ तो खड़े नहीं होते। बस आपसे रिक्वेस्ट है इसको जल्दी से जल्दी
आपके मीडिएशन से काम होना, इसलिए आपके पास आना जरूरी था, क्योंकि आपके शहर में काम हो जाएगा। हरियाणा फेडरेशन ऑफ इंजीनियर्स, इनकी अलग अलग कैटेगरी है, इसमें डॉक्टर्स भी हैं, डीएसपीज हैं, एचसीएस ऑफिसर्स भी हैं, इनके अलग अलग हैं कि मेन तो पे स्केल का है इनका, कि हमारे से जो बाद में आए हैं उनका पे स्केल हमारे से ज़्यादा हो गया और कहीं आगे जो पैरिटी पहले बराबर थे कहीं, हाँ तो ए सी पी उनका, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इसको कोई ना कोई इसका सोल्यूशन करके, इसका हल करके, ताकि जो इनका हक बनता है वो इनको हक मिले। धन्यवाद धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि आश्वासन जरूर दिया गया है। बठला जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी से बातचीत जरूर करेंगे, जो इनकी मांगे हैं उनको जो है जरूर उसका सोल्यूशन जो है जरूर निकाला जाएगा। देख सकते हैं तमाम हरियाणा फेडरेशन ऑफ इंजीनियर्स, चाहे उसमें डॉक्टर्स हैं या डीएसपीज हैं बताया जा रहा है, या ही फिर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से, सभी इंजीनियर्स हरियाणा भर से यहां पर पहुंचे अपनी मांगों को लेकर। मंगल सेन ऑडिटोरियम से शुरुआत करते हुए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस नारे लगाते हुए पहुंचते हैं, और ओएसडी संजय बटला जो है मुख्यमंत्री के, उनको ज्ञापन सौंप दिया गया, और संजय बटला जी ने आश्वासन भी दिया है कि आपकी मांगों को जरूर ध्यान में रखा जाएगा, मुख्यमंत्री जी से बातचीत की जाएगी और आपकी जो परेशानी है उसका हल जरूर निकाला जाएगा। तस्वीरें आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, मेरे यानी कीर्ति कथूरिया के साथ, नमस्कार।